नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। दुबई से कोची जा रहे विमान में लगे आईएसआईएस के समर्थन में नारे। मुंबई में हुई इमरजेंसी लैंडिंग, नारा लगाने वाले शख्स को किया गया गिरफ्तार। विमान में 20 यात्री थे सवार। पूर्व बीजेपी नेता दयाशंकर को नहीं मिली राहत, कोर्ट का एफआईआर खारिज करने से इनकार। 8 अगस्त को होगी मामले की सुनवाई, यूपी पुलिस कर रही है दयाशंकर की तलाश। संसद में फिर उठा दलित अत्याचार का मुद्दा, हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। राज्यसभा में आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर विपक्षियों का विरोध। पेशी से पहले जांच कमेटी को आप सांसद भगवंत मान की चिट्ठी, कहा मामला रफा दफा करो। कमेटी ने लोकसभा स्पीकर को सौंपा जवाब, पेश होने का निर्देश जारी। और जोधपुर के हिरण शिकार केस में नया मोड़, 14 साल से गायब गवाह सामने आया, कहा सलमान ने ही चलाई थी गोली। ड्राइवर हरीश दुलानी की गवाही पर ही केस हुआ था दर्ज। दुबई से केरल के कोची जा रही इंडिगो की फ्लाइट में एक मुसाफिर के जरिए आईएसआईएस के समर्थन से जोर शोर से नारे लगाने के बाद विमान की मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सीआईएसएफ ने आईएस के समर्थन में नारे लगाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये साफ नहीं है कि आईएस के समर्थन में नारे लगाने वाला शख्स किस देश का नागरिक है। पुलिस ने इससे जुड़ी जानकारी साझा करने फिलहाल मना कर दिया है। ये विमान करीब सुबह 4 से 5 बजे जैसे ही दुबई से रवाना हुआ, थोड़ी देर बाद ही इस मुसाफिर ने आईएस के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। क्रू मेंबर तुरंत हरकत में आया और फ्लाइट को मुंबई डाइवर्ट किया गया, इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। आईएस के समर्थन में नारे लगाने वाले शख्स को गिरफ्तार करने और विमान की पुख्ता जाँच के बाद मुंबई से कोची के लिए रवाना कर दिया गया है। विमान में 20 से ज्यादा यात्री सवार थे। बीजेपी से निकाले गए और गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहे दयाशंकर सिंह को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने दयाशंकर की एफआईआर खारिज करने की याचिका खारिज कर दी है। अब इस मामले में 8 अगस्त को सुनवाई होगी। दयाशंकर ने गिरफ्तारी से बचने और एफआईआर खारिज करने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की थी, जिस पर आज फैसला होना था। यूपी पुलिस दयाशंकर सिंह की तलाश कर रही है। लखनऊ की सीजेएम कोर्ट ने दयाशंकर सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। दयाशंकर सिंह ने मायावती को गाली दी थी। उनके जिले बलिया सहित कई जगहों पर छापेमारी हो रही है। संसद के मॉनसून सत्र में गुरुवार का दिन भी हंगामे के साथ शुरू हुआ। राज्यसभा में कार्रवाई की शुरुआत में ही दलित अत्याचार का मुद्दा उठा, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। उधर लोकसभा की शुरुआत भी शोरगुल के साथ हुई। विपक्ष हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई को तीसरी बार 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले राज्यसभा में भी दलितों के मुद्दे पर हंगामे के बाद कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई। ऊपरी सदन में इसके साथ ही आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर भी विरोध दर्ज किया। सपा और तृणमूल ने आधार को अनिवार्य नहीं बनाने की मांग की, जिसके बाद कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने भी उनका समर्थन किया। संसद में वीडियो बनाने के मामले में घिरे आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने लोकसभा जांच कमेटी की लिखित में जवाब दे दिया है। मान ने कहा कि मैंने कोई गलती नहीं की है, मामले को बंद किया जाए। मान ने 5 पेजों के लेटर में जवाब दिया है। कमेटी ने लोकसभा स्पीकर को जवाब सौंप दिया है और मान को कमेटी के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। भगवंत मान को गुरुवार को 3 बजे तक जांच कमेटी के सामने पेश होना होगा। आप सांसद के इस मामले की सुनवाई 9 सदस्यीय जांच कमेटी कर रही है। जांच कमेटी की पिछली बैठक में बीजेपी सांसद किरित सोमैया ने माना कि भगवंत मान की इस हरकत से सांसद की सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ है। बैठक में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी शामिल थे, हालांकि उनके बयान पर कमेटी ने असंतोष जताया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया। विकास नगर विधायक नव प्रभात और बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी रावत मंत्रिमंडल के नए सदस्य बने हैं। गुरुवार को राजभवन में दोनों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों विधायकों के अनुभव का लाभ राज्य को मिलेगा। दोनों ही वरिष्ठ विधायक हैं और पूर्व में मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। सूत्रों के अनुसार आज शाम तक मुख्यमंत्री मंत्रियों के कामकाज का बंटवारा भी कर सकते हैं।
पूर्व मंत्री सुरेंद्र राकेश के निधन और हरक सिंह रावत के इस्तीफे के बाद राज्य मंत्रिमंडल में 2 सीटें खाली हुई थी। मुख्यमंत्री हरीश रावत दोनों सीटों पर गढ़वाल क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने का संकेत पहले ही दे चुके थे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह 3 और 4 अगस्त को होने वाले सार्क सम्मेलन में भाग लेने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। गौरतलब है कि गृह मंत्री का ये दौरा तब और अहम हो जाता है जब कश्मीर में मौजूदा हालात को लेकर पाकिस्तान सरकार की ओर से काफी उकसाने वाली बयान आ रहे हैं। भारत इस सम्मेलन में इसलिए भी हिस्सा ले रहा है क्योंकि अगर एक भी सदस्य इस बैठक में मौजूद नहीं होता है तो इसे रद्द कर दिया जाएगा। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान को ऐसी कोई वजह हाथ में दी जाए और पड़ोसी देश को भारत की गंभीरता पर सवाल उठाने का मौका मिले। जानकारी के मुताबिक भारत इस बैठक में आतंकवाद के मुद्दे को उठाने वाला है ताकि पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा सके। सार्क बैठक में भारत जिंदा पकड़े गए आतंकियों की जानकारी भी साझा करेगा। बिहार में नई शराब नीति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध शुरू हो गया है। विरोध करने वाले विपक्षी दलों के नेता नहीं बल्कि उनके महागठबंधन के विधायक हैं। पिछले साल नवंबर में सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार को पहली बार अपने विधायकों की तरफ से विरोध के स्वर झेलने को मिल रहे हैं। शुक्रवार से शुरू होने वाले बिहार विधानसभा सत्र में इस विधेयक को पेश किया जाएगा। कैबिनेट में जब इस पर चर्चा हुई थी तब नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया था कि उनके कैबिनेट के सदस्य इस मुद्दे पर उनके विचार से सहमत नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मनाकर इसे पास करा लिया। पिछले दिनों सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर के नौगाम से गिरफ्तार सैफुल्ला बहादुर अली ने कबूल किया है कि वह लश्कर का आतंकी है। गुरुवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी पूछताछ के लिए उसे दिल्ली लेकर आई जहां उसने कई अहम खुलासे किए। बताया जाता है कि पूछताछ में बहादुर अली ने साफ शब्दों में कहा कि वह सीमा पार से आया है और लाहौर का रहने वाला है। उसने अपनी उम्र 21 साल बताई है। उसे पूछताछ अभी भी जारी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर समेत भारत के अन्य हिस्सों में आतंकवादी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, ये साफ हो चुका है। इसके स्पष्ट सबूत भी मिल चुके हैं। उन्होंने कहा, अब तक पकड़े जाने पर आतंकवादी भी खुद ही बता देते हैं कि उन्हें ISI ने भेजा है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुँचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।